मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टडी अबाउट पैरेललोग्राम्स। आज हम पैरेललोग्राम्स के बारे में पढ़ेंगे। हमने अपनी प्रीवियस क्लासेस में पॉलीगन्स के बारे में पढ़ा। पॉलीगन्स जो है, जो पैरेललोग्राम्स हैं वो पॉलीगन्स का ही एक पार्ट है, क्योंकि पैरेललोग्राम भी क्लोज फिगर है और पॉलीगन्स भी क्लोज फिगर होते हैं। पैरेललोग्राम एक क्वाड्रिलेटरल है, बट स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। इसके कुछ स्पेशल फीचर्स होते हैं। सबसे पहले हम उन फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो पैरेललोग्राम हमारा फिगर ये बनी। पी क्यू आर एस, तो फर्स्ट इसका फीचर जो तो क्या है, पैरेललोग्राम को हम शॉर्ट में ऐसे लिख देते हैं। फर्स्ट है ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल एंड पैरेलल। जो हमारा पैरेललोग्राम होता है उसकी ऑपोजिट साइड क्या होती है, इक्वल होती है और पैरेलल होती है। तो ऑपोजिट साइड पी क्यू की ऑपोजिट साइड क्या बनेगी, एस आर, और पी एस की ऑपोजिट साइड क्या बनेगी, क्यू आर। इक्वल भी होंगी और पैरेलल भी होंगी। सेकंड इसकी प्रॉपर्टी क्या है कि ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। पैरेललोग्राम के ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। एंगल पी इज इक्वल टू एंगल आर, और एंगल क्यू इज इक्वल टू एंगल एस। थर्ड प्रॉपर्टी, सम ऑफ एडजस्टेड एंगल इज 180 डिग्री। जो इसके एडजस्टेड एंगल्स हैं उनका सम क्या होता है, 180। से एंगल पी प्लस एंगल क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री। नेक्स्ट, एंगल क्यू प्लस एंगल आर इज इक्वल टू 180 डिग्री। फिर एंगल आर प्लस एंगल एस इज इक्वल टू 180 डिग्री, और देन एंगल एस प्लस एंगल पी इज इक्वल टू 180 डिग्री। पी प्लस क्यू 180 होगा, क्यू प्लस आर 180 होगा, आर प्लस एस 180 होगा, और एस प्लस वी वन पी 180। और फोर्थ प्रॉपर्टी है इसकी, डायगनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर हमने डायगनल्स बनाए कि पैरेललोग्राम के डायगनल्स क्या करते हैं, बाइसेक्ट। बाइसेक्ट का मीनिंग आप समझते हो, टू इक्वल पार्ट्स हो जाना। आप यहाँ पे ये ओ बे मान लीजिए कट कर रहे हैं, तो पी आर लाइन की दो पार्ट क्या हुआ, पी ओ इक्वल टू ओ आर, और उधर से आपकी एस क्यू डायगनल है, एस क्यू की दो पार्ट एस ओ इक्वल टू ओ क्यू, ठीक है। ये चार प्रॉपर्टीज हैं आपको पैरेललोग्राम की, क्योंकि जो हम आज एक्सरसाइज 3.3 करेंगे वो पैरेललोग्राम से रिलेटेड है, और आपको ये सारी प्रॉपर्टीज जो हैं उन सम्स को सॉल्व करने में हेल्प करेंगी। तो आपको ये प्रॉपर्टी दोबारा से मैं रिमाइंड करवा देती हूँ। ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल एंड पैरेलल। सेकंड, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। थर्ड, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री। फोर्थ, डायगनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। ये चार प्रॉपर्टीज आपको लर्न करनी है और फिर इनको अप्लाई करना सीखना है। नाउ वी आर स्टार्टिंग एक्सरसाइज 3.3, क्वेश्चन नंबर 1। गिवन पैरेललोग्राम ए बी सी डी, कंप्लीट each statement along with the definition or property used. AD, AD is equal to, AD किसके इक्वल, AD is equal to BC. रीजन क्या है इसका, opposite sides of parallelogram are equal. अब next, angle DCB, angle DCB मतलब angle कहाँ बन रहा है,
सी पे बन रहा है. एंगल डी सी बी इज इक्वल टू एंगल डी ए बी. इसका रीजन क्या है? ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल. ठीक है, कि ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल. अब ओसी, ओसी ओसी किसके इक्वल होगा? ओए के. ओसी इक्वल टू ओए. इसका रीजन डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर. नेक्स्ट एंगल डी ए बी, डी ए बी मतलब ए, प्लस एंगल सी डी ए, सी डी ए ये बना इज इक्वल टू 180 डिग्री. इसका रीजन क्या है? सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स ऑफ, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम इज 180 डिग्री. ठीक है, देखो आपके जो एडजेसेंट, अब हमने जो चार प्रॉपर्टीज की थी, चारों की चारों हमारी फर्स्ट क्वेश्चन में यूज हो गई है. तो आपको प्रॉपर्टीज याद होनी चाहिए और उनको अप्लाई करना भी आना चाहिए. नाउ वी विल डू क्वेश्चन नंबर टू. क्वेश्चन नंबर टू, कंसीडर द फॉलोइंग पैरेललोग्राम्स. अब हमें ये जो फिगर्स दी हुई, किसकी दी हुई है? पैरेललोग्राम्स की दी हुई है. तो जो हम सम करेंगे वो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग करेंगे. फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जेड. आपको एक्स वाई एंड जेड की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है. आपको एक ना एक वैल्यू जरूर दी होगी, उसके बेसिस के ऊपर हम सब वैल्यूज निकालेंगे. अब जैसे हमारे पास पहले हम लिखेंगे ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम. सो एंगल बी इक्वल टू एंगल डी. एंगल बी और डी क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे. इक्वल टू 100 डिग्री. इसका रीजन क्या है? ऑपोजिट एंगल्स ऑफ ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल. अब देखो बेटा, हमें इसमें क्या निकालने हैं? एंगल्स निकालने हैं. तो एंगल वाली प्रॉपर्टी ही यूज करेंगे. तो हमारे पास पैरेललोग्राम में एंगल्स की दो प्रॉपर्टीज हैं, एक तो ऑपोजिट एंगल वाली और एक एडजेसेंट एंगल वाली. अब हमने ऑपोजिट एंगल वाली तो यूज कर ली, अब कौन सी यूज करेंगे? एडजेसेंट एंगल वाली. पहले मैं यहाँ पे लिख दूँ y इज इक्वल टू 100. y इज इक्वल टू 100. अब हम एडजेसेंट एंगल वाली प्रॉपर्टी यूज करते हैं. एंगल a प्लस एंगल b इज इक्वल टू 180 डिग्री. सम ऑफ एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम इज 180 डिग्री. अब a की जगह z प्लस b की जगह 100 इज इक्वल टू 180 डिग्री. तो z इज इक्वल टू आ गया 180 माइनस 100, z इज इक्वल टू 80 डिग्री. z भी आ गया, अब क्या रह गया? x रह गया. तो z और x इक्वल हो जाएंगे. z इज इक्वल टू x इज इक्वल टू, z कितना है? 80. ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल. तो हमारे पास x आ गया 80. बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था बेटा. आपको एक एंगल दिया होगा, सबसे पहले आप क्या करोगे? उसका ऑपोजिट एंगल निकालोगे, फिर एडजेसेंट एंगल और फिर ऑपोजिट. आपके आंसर्स निकल जाते हैं. ठीक है, आपको किससे शुरू होना है? ऑपोजिट एडजेसेंट, ऑपोजिट एडजेसेंट. अब नेक्स्ट जो फिगर बनी हुई है, इसमें मेरे पास पैरेललोग्राम का नेम नहीं है, तो मैं यहाँ पे पैरेललोग्राम का नेम दे देती हूँ. ए बी सी डी, ए बी सी डी. सबसे पहले लाइन मैंने क्या लिखी? ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम. अब ये 50 दिया, तो 50 किसके इक्वल बन जाएगा? यहाँ पे 1 के, इसको मैंने 1 दे दिया. एंगल डी इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू 50 डिग्री. ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेलल. मुझे बी निकालना नहीं था, लेकिन बी मैंने क्यों फाइंड आउट किया? क्योंकि मुझे जेड निकालना है. जेड मेरा कौन सा एंगल है? एक्सटीरियर एंगल है. तो ये किससे निकलेगा? जब हम इसको लीनियर प्लेट से,
हमने अपने प्रीवियस जब हमने एक्सरसाइज की थी 3.1 तो हमने किया था कि बाहर वाला एंगल हम कैसे निकाल सकते हैं, 180 में से अंदर वाला माइनस कर दो तो बाहर वाला निकल जाता है, 180 में से बाहर वाला माइनस कर दो तो अंदर वाला निकल जाता है। तो लेकिन भी मैंने सिर्फ अंदर वाला निकाला है। अभी पहले मैं एक्स और वाई फाइंड आउट, तो मैं एडजस्टेंट से कर रही हूँ 50 प्लस एक्स, या पहले एंगल डी प्लस एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री, एडजस्टेंट एंगल एंगल्स ऑफ पैरेलल ग्राम। डी मेरा 50 प्लस ए इज इक्वल टू 180 डिग्री, ए की जगह मैंने एक्स लगा लिया, एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री इज इक्वल टू 130 डिग्री, एक्स मेरा आ गया 130 डिग्री, मेरा एक आंसर निकल गया एक्स का। अब एक्स किसके इक्वल है, वाई के इक्वल है, ये कौन से एंगल्स हैं, ऑपोजिट एंगल्स। एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू 130 डिग्री, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। अब सिर्फ कौन सा रह गया हमारा, Z रह गया, कौन सा एंगल रह गया है, Z। तो Z में क्या करेंगे, एंगल 1 प्लस Z इज इक्वल टू 180 डिग्री, यहां पे एंगल 1 इज इक्वल टू 50 डिग्री लिख देती हूं, एंगल 1 प्लस Z इज इक्वल टू 180 डिग्री, 1 की जगह हमने क्या लगाया 50 डिग्री प्लस Z इज इक्वल टू 180 डिग्री, Z is equal to 180 degree minus 50 degree, Z is equal to 130 degree। अब देखो बेटा, आपको मैं एक चीज और बताती हूँ कि आप Z को corresponding और alternating integer से भी निकाल सकते थे, क्योंकि ABCD हमारा parallelogram है। अगर ABCD मेरा parallelogram है तो AB parallel CD है और ये lines को cut कर दिए, तो Y और Z कौन से angles बनेंगे मेरे, alternating integer, मैं direct भी निकाल सकती हूँ। इसी तरह से AD और BC भी मेरी पैरेलल है और AB को कट कर रही है, X और Z मेरे कौन से एंगल्स बनते, करस्पॉन्डिंग एंगल बनते, और करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो मेरा Z 130, Z इक्वल टू X तब भी 130 आता, Y इक्वल टू Z तब भी 130 आता। तो आप करस्पॉन्डिंग और ऑल्टरनेट से भी इसको कर सकते हैं। नाउ वी विल डू थर्ड पार्ट। अब ये फिगर भी मेरे पास पैरेललोग्राम ही है, क्योंकि मैं शुरू में कहाँ गया था कि हमें पैरेललोग्राम दिए हुए हैं। तो सबसे पहले मैं इसके नेमिंग करती हूँ, ए बी सी डी, और बी पे ओ नेम, ठीक है। अब एक्स वाई जेड में तीन एंगल दिखाने हैं। अब जो एक्स है वो मेरा कैसे निकल के आएगा, ये दोनों एंगल्स क्या बन रहे हैं हमारे, वर्टिकल ऑपोजिट, क्या बन रहे हैं दोनों एंगल्स हमारे, वर्टिकल ऑपोजिट। वन नेम दे दिया, एंगल 1 इक्वल टू एक्स इक्वल टू 90 डिग्री, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स, ठीक है। अब मेरे पास x आ गया है, मुझे अब y फाइंड आउट करना है और z फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले देखती हूँ मैं x, y और 30 डिग्री का एंगल एक ट्राइंगल फॉर्म कर रहे हैं, क्या फॉर्म कर रहे हैं, ट्राइंगल, और ट्राइंगल के एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो मैंने लिखा इन ट्राइंगल डी ओ सी एक्स प्लस वाई प्लस 30 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, सम ऑफ थ्री एंगल्स ऑफ ट्राइंगल। उसके बाद एक्स प्लस वाई प्लस 30 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये क्या हुआ, सम ऑफ थ्री एंगल्स ऑफ ट्रायंगल। अब x कितने डिग्री का है, 90 डिग्री प्लस y प्लस 30 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, 120 डिग्री प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री, और y इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, y इज इक्वल टू 60 डिग्री। x हमारे पास आ गया 90 डिग्री, y हमारे पास आ गया 60। अब हमको z फाइंड आउट करना है। अब अगर हम z को फाइंड आउट करते हैं तो ये हमारा ऑल्टरनेट से होगा, ये और ए, ए बी पैरेलल सी डी, ए बी और सी डी क्या है, पैरेलल है और डी बी इसको इंटरसेक्ट कर रहे हैं। सो y इक्वल टू z इक्वल टू 60 डिग्री, कौन से एंगल बनेंगे, ऑल्टरनेट
इंटीरियर एंगल्स, तो जेड आपका आ गया 60। अब यहाँ पर जेड जेड को फाइंड आउट करने का कोई और मेथड नहीं है, ये आपका ऑल्टरनेट इंटीरियर से ही फाइंड आउट होगा, क्योंकि अगर आप यहाँ पे एक्स को मान लेते हो तो हमारे पास ये वाला एंगल, इन दोनों को लेंगे तो ये हमारे ऑल्टरनेट बनेंगे। फिर हम ट्राइंगल के एंगल्स हम प्रॉपर्टी से कर सकते हैं, तो हम डायरेक्टली इसको, हमारे पास ए बी और सी डी पैटर्न है और डी बी उसको इंटरसेक्ट कर रही है, तो हमारे ये वाई और जेड कौन से एंगल्स बन गए, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, और एक्स हमारा 90, वाई 60 और जेड भी क्या आ गया 60 डिग्री। अब हम फोर्थ पार्ट करेंगे, ये भी जो फिगर है वो हमारी पैरेललोग्राम है, तो इसको नेम लेते हैं ए बी सी डी। इसको भी हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है, पहले वही जो एंगल दिया हुआ है उसके हम कौन सा एंगल लेते हैं, ऑपोजिट एंगल, एंगल बी इक्वल टू डी इक्वल टू 80 डिग्री, ऑपोजिट एंगल एंगल्स ऑफ पैरेलल, तो यहाँ से वाई क्या आ गया आपका 80। अब एक्स फाइंड आउट करते हैं एडजेसेंट एंगल से, एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। अब ए हमारा कितना है एक्स, बी हमारा क्या है 80 डिग्री, इज इक्वल टू 180 डिग्री, x is equal to 180 degree minus 80 degree, x is equal to 100 degree. अब z हमको निकालना है। देखो बेटा, z जो है, अगर मैं b और c लूँगी तो z मेरे corresponding angle बनेंगे, और अगर मैं y और z लूँगी तो z मेरा कौन सा angle बनेगा, alternate angle, ठीक है? तो अब हम corresponding से करते हैं इसको। corresponding में क्या लिया हमने, AB parallel CD, AB पैरेलल सी डी, सो एंगल बी इक्वल टू जेड इक्वल टू 80 डिग्री, कौन सा एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। अगर मैं ऑल्टरनेट इंटीरियर लेती तो मैं क्या लेती, ए डी पैरेलल बी सी, सो वाई इक्वल टू जेड इक्वल टू 80 डिग्री, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, तो जेड मेरा क्या आ गया 80 डिग्री, x मेरा 100 डिग्री, y मेरा 80 डिग्री एंड z मेरा 80 डिग्री। पार्ट 5, ये भी फिगर हमारी पैरेललोग्राम है ए बी सी डी, तो ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, सो एंगल b इक्वल टू d इक्वल टू 112 डिग्री, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ ऑफ पैरेललोग्राम, y क्या आ गया हमारा, y इज इक्वल टू 120 डिग्री। अब y 40 और x किसको फॉर्म कर रहे हैं, ट्राइंगल को फॉर्म कर रहे हैं, तो इन ट्राइंगल ए बी सी 40 डिग्री प्लस x प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री, सम ऑफ थ्री एंगल्स ऑफ ट्राइंगल, तो 40 प्लस x प्लस y का 112 इज इक्वल टू 180 डिग्री, x प्लस 152 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 152 डिग्री, x इज इक्वल टू 28 डिग्री, का आंसर हमारा 28 आ गया। अब z रह गया है, x और z का क्या रिलेशन है, x और z हमारे कौन से एंगल्स बन रहे हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन रहे हैं, या फिर मैं ये कह सकती हूँ d plus a equal to 180, तो dy plus 40 plus z, 40 भी आएगा और z भी आएगा तब 180 बनेगा, लेकिन हम इसको ऑल्टरनेट इंटीरियर से करते हैं। AB parallel CD, so x is equal to z is equal to 28 degree, alternate interior angles, so z
जेड हमारा आ गया 28 डिग्री। ठीक है, क्वेश्चन नंबर टू के ये 5 पार्ट्स थे, ये मैंने आपको करवा दिए हैं। आज मैं आपको इतने ही सम्स करवा रही हूँ, तो आप इन सम्स को रिवाइज करेंगे, खुद करेंगे इन सम्स को, प्रॉब्लम आती है तब आप वीडियो कंसल्ट करेंगे। पहले वीडियो में को देखेंगे और समझेंगे कि क्या करवाया गया, लेकिन उसके बाद जब आप सम्स करेंगे तो वीडियो आप बंद कर कर अपने आप करेंगे सम्स, और फिर अगर प्रॉब्लम आती है तो आप वीडियो कंसल्ट करेंगे। आपको इस सम्स अच्छे से आने चाहिए, आपको अच्छे से इसको बाय हार्ट करना है कि आपको ये चीज़ आ जाए, क्योंकि आगे सीनियर क्लासेस में आपको ये चीज़ें बहुत काम आती हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।